तो रिव्यू करेंगे इस वीडियो में एस मुकोलाइट सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, किस तरह से काम करती है, कौन लेता है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, इसकी डोज क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए एस मुकोलाइट सिरप एक ब्रांड नेम है डॉक्टर रेड्डी कंपनी का। डॉक्टर रेड्डी कंपनी बनाती है दोस्तों, ये बड़े व्यक्ति के लिए पीने की एक खांसी की सिरप है। खांसी की प्रॉब्लम है, इसको चेस्ट स्पेशलिस्ट और फिजिशियन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए अगर व्यक्ति को कफ है, कफ छाती के अंदर जम गया है, जकड़न है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस रहती है चेस्ट के अंदर, ठीक है, गले तक कफ आ जाता है, नाक के अंदर भी अगर कफ है, गले के अंदर खरखर है, नाक से पानी आ रहा है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, या अस्थमा की दिक्कत हो गई है कफ के कारण, सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, तो उस कंडीशन में ये दी जाती है वेट कफ को दूर करने के लिए। दोस्तों सूखी खांसी है उसमें ये काम नहीं करती है, ठीक है, ये एक्सपेक्टोरेंट है कफ की प्रॉब्लम के लिए। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो देखिए इसके अंदर आते हैं तीन सोल्ट, तीन कंटेंट, पहला है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा है टर्बुटालिन और तीसरा है ग्यूफिनसिन। दोस्तों एम्ब्रोक्सोल मांसपेशियों को चौड़ा करता है जिससे कि सांस लेना आसान होता है, ब्रीथिंग को इजी करता है। टर्बुटालिन श्वास नली से कफ को क्लीन करता है, कई बार श्वास नली के अंदर कफ ज़्यादा बन जाता है, चिपक जाता है, तो वहाँ पर फिर वायु मार्ग सकड़ा हो जाता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वहाँ पर उसको क्लीन करता है। ग्यूफिनसिन दोस्तों कफ को ढीला कर बाहर निकालने में मदद करता है, तो इस तरीके से काम करती है कफ की प्रॉब्लम में। डोज की बात करें, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है 5 ml आप 2 से 3 बार ले सकता है दिन में, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, तो खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों हर किसी को नहीं होती, बहुत ही कम चांस है, जैसे कि नींद आने में दिक्कत होना, वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, कब्ज रहना, ये इसके साइड इफेक्ट है, लेकिन ये हर किसी को नहीं होते, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही कम चांस में ही होते हैं। सावधानी बची ये है कि डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। प्रेगनेंसी ब्रेस्टफीडिंग में भी अगर कोई महिला है तो वहाँ पर भी डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कुछ भी समझिएगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में।